आइए देखते हैं बैठ मजा आएगा सेट ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लागो सेट ठोक दीजिए पार्टी हेलो आदम नमस्ते सत सस्तरीकाल जय हिंद जय भारत और कुछ बस ये कह कर छोड़ो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तो ये वीडियो काफ़ी डिमांड पे आ रहा है मतलब इंस्टाग्राम में देखे ट्रेंडिंग पे है तो सोचे इस पर हम वीडियो बनाए हैं तो इसका ट्यूटोरियल भी दे देते हैं तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है और बाकी बैकग्राउंड को छोड़ देना क्योंकि हम अभी खेत में खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं ठीक है और ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि कल सुबह हमको पनवेल निकलना है तो इसलिए शुरू करते हैं जल्दी से और सबसे पहले आपको यहाँ जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप वीडियो देख रहे हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हो उसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बाकी यहाँ इस्टाग्राम का लिंक मिलेगा तो उसे भी यहाँ कर चेक कर सकते रहा टेलीग्राम का लिंक यहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और यहां जो हम ऐप से एडिट करने वाले हैं वो ऐप का यहाँ लिंक रहा मोडिफिक है तो यहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बाकी यहां से नीचे आ जाओगे तो यहां सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट दो लिंक मिलेगा यहां बीट मार्क और सेक इफेक्ट का प्लस में आपको एक और लिंक मिल जाएगा एक दो लिंक तो उसमें से एक रेड हार्ट करके कुछ नाम रहेगा तो उसे भी डाउनलोड कर लेना है और एक फोन का फोन को हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं और यहाँ सॉन्ग का प्लस में लिंक मिल जाएगा तो यहाँ से सॉन्ग को भी डाउनलोड कर लेना बाकी यहाँ से आपको जो जो भी डाउनलोड करना रहेगा सारा यहाँ कुछ मिल जाएगा तो जो वीडियो देख रहे हो उसमें कुछ अलग टाइप करेगा तो उसमें से आप सबको डाउनलोड कर लीजिएगा बाकी यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आ जाना है बैक आने के बाद सिंपली यहाँ से गूगल में आना है गूगल में आने के बाद सिंपली से आपको यहाँ से जहाँ सर्च बार पे आना है सर्च बार पे आके यहाँ से जो हम सर्च मार रहे हैं आप उसे सर्च मार लेना ठीक है तो यहाँ से जो ये देख सकते हो आप लोग ये इसे, इसे, इसे सर्च मार लेना है इसे सर्च मारने के बाद फर्स्ट वाला लिंक को ओपन कर लेना देख सकते हो आप लोग जो लिंक है इसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ से यहाँ से जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा ठीक है यहाँ जूम करने के बाद यहाँ जो फोन है जो फोन का यहाँ लिंक है तो यहाँ से फोन को आपको डाउनलोड कर लेना है तो ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना तो आप फिर इस यहाँ बैक आने के बाद से आपको यहाँ से जो आप ऐप डाउनलोड अगर ये ऐप आपको ना मिलेगा तो से आपको वहाँ अगर लिंक से आप नहीं जा पाओगे टेलीग्राम पे तो यहाँ से टेलीग्राम पे आ जाना है टेलीग्राम पे आने के बाद सिप्ले से आपको यहां से ओपन कर लेना है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ नेम देख सकते हो यहाँ आकाश ए एस टू फाइव जीरो एट ये सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा तो सिर्फ यहाँ से देख सकते हो टेलीग्राम कुछ इस तरह यहाँ जो पिन मैसेज है इस पर आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो ऐप से हम एडिट करने वाले हैं एलाइट मोशन उसका यहाँ मोड एप के न्यू वाला वर्जन का मिल जाएगा तो यहाँ से आप इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद सिपले से देख लीजिए आपको ये कुछ इस तरह से ऐप रहेगा तो इसे ओपन कर लेना है तो यहाँ से ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ ओपन होगा तो यहाँ ओपन होने देते हैं इसके बाद देख लीजिए यहाँ से कुछ इस तरह ओपन ओपन हो जाने के बाद आपको सिंह प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है पहले देख सकते हो हैं कुछ इस तरह से खुलेगा आपको यहाँ सिक्सटी का फ्रेम लेना है जो स्टोरी साइज का फ्रेम रहता है तो यहाँ से ले लेना लेनाट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना यहाँ आके सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है जो प्लस वाला है उस पर आके यहाँ से मीडिया वाला आइकन पर क्लिक कर देना यहाँ पर आप जिस इमेज पर वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली से उस फाइल को ओपन कर लेना जैसे हम एक्जाम्पल के तौर पर एक इमेज को ले लेते हैं ठीक है यहाँ से उस फाइल को ओपन करके एक इमेज को ले लेते हैं उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है फिर कम्बोशन एरिया क्लिक कर देना है जाने के बाद सिंपली आपको से बैक आ जाना है बैक आने के बाद शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना

आपने जो सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को यहाँ से एलाइट मोशन में इंपोर्ट किया था तो सिपने आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद ऐसे अलाइट मोशन में इंपोर्ट भी कर लेना है तो एडिट करने से पहले आपको जो जो भी हमें डिस्क्रिप्शन में हम जाने की जो जो लिंक दिए हैं उससे पहले उसे डाउनलोड कर लेना बिना डाउनलोड करके बनाओगे तो यहाँ वीडियो सही से बन नहीं पाएगा तो सिर्फ आपको पहले उसे डाउनलोड कर लेना है तो सिर्फ आपको यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को अलर्ट मोशन में इंपोर्ट कर लेना अगर इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत होगा तो उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाकर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको देख लीजिएगा आप तो उसे देखकर आप एलार्ट मोशन में प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिएगा तो सिंपली कुछ इस तरह से हम हाँ आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा दो टो आपका जो फर्स्ट वाला रहेगा हमें ना भूलना साजन ये वाला कुछ रहा इस नाम का रहेगा तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है ये इसे ओपन कर लेना है तो ओपन करने के बाद सिंपली कुछ देख सकते हो इस तरह रहेगा अगर आप फोन को डाउनलोड किए रहोगे और बाकी जो मटेरियल नीचे दिया हुआ है उसे डाउनलोड किए रहोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ दिखेगा अगर नहीं डाउनलोड किए रहोगे तो आपका सारा कुछ यहाँ नॉर्मल रहेगा तो सिर्फ आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा तो सिंपली अगर फोन को यहाँ से चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ जो देख सकते हो टेस्ट का जो लेयर है इस टेस्ट के लेयर पर क्लिक करना है जो टेस्ट का लेयर है इस पर क्लिक करना है एडिट टेस्ट पे आने के बाद ऊपर वाला आइकन पे क्लिक करना है यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना, पे क्लिक करना जो है जो थ्री लाइन है उस पर इम्पोर्ट फोन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप जो फोन डाउनलोड किए रहोगे से सेलेक्ट करके उसे सेलेक्ट कर लेना यहां से उसके बाद आपका जो फोन रहेगा एलाइट में एक्सपोर्ट हो जाएगा यानी इम्पोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसी तरह कुछ करके आपको यहाँ से चेंज कर लेना है सभी फोन को यहाँ से जितना भी यहाँ पे टेस्ट का लेयर रहेगा उन सभी में फोन को चेंज कर लेना है तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा आपको यहाँ से सभी में फोन को चेंज कर लेना है तो कुछ इस तरह से देख सकते हो यहाँ जितने भी टेस्ट का लेयर है उन सभी में फोन को आप चेंज कर लीजिए तो सिंपली आप यहाँ चेंज कर लीजिएगा उसके बाद सिंपली आपको यहां से स्टार्टिंग में आना है स्टार्टिंग में आने के बाद पहले यहां पे म्यूजिक एड करना है इसमें म्यूजिक लगाना हुआ है सबसे तो पहले आप जो म्यूजिक डाउनलोड किए डिस्क्रिप्शन से या फिर टेलीग्राम से यहाँ दोनों जगह मिल जाएगा तो आप वहां से जो म्यूजिक डाउनलोड किए हो गया यहाँ पे लगा लेना है तो यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है ऑडियो पर जाना है यहाँ से आके आप जो म्यूजिक डाउनलोड किए करोगे यहाँ सेलेक्ट करके लगा लेना है तो सिप्लीस आप म्यूजिक लगा लीजिएगा उसके बाद यहाँ आपको आगे जाना है कुछ यहाँ से देख सकते हो आपको यहाँ पे ए एस ए एस तो इन लेयर में आपने जो नाइन सिक्सटी में इमेज को क्रॉक किया था उसे लगाना है तो इसलिए यहाँ फर्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है करना कलर एंड फिल पे क्लिक करना यहाँ स्टार वाला आइकन पे क्लिक करना फिर से स्टार वाला आइकन पे क्लिक करना और वहाँ से आप जो नाइन टू सी सिस्टम में मेज को क्रॉक करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है तो सिंपली यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से लग जाएगा तो इसी तरह से यहाँ तो यहाँ पे जितने भी ए नाम का यहाँ जो लेयर है उन सभी में आपको अलग अलग इमेज को लगा लेना है तो सिंपली यहाँ लास्ट तक आप अलग अलग इमेज को लगा लीजिएगा तो इमेज को लगाने के बाद आपको सिप यहाँ से बैक आ जाना है बैक आने के बाद जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा तो इसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ लेयर दिखेगा एस नाम का तो इसे कॉपी कर लेना है तो कॉपी यहाँ कॉपी करने के लिए सिपली इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है इस लेयर को कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद वापस से सॉन्ग विट पार्क प्रोजेक्ट को जो हमें ना भूल भूलना साझा नहीं है मतलब सॉन्ग जो प्रोजेक्ट रहेगा इसे ओपन कर लेना ओपन करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ से आगे जाना है यहाँ से देख सकते हो टेस्ट का लेयर समाप्त होता है आपने यहाँ से इमेज को लगाना स्टार्ट था वहाँ पे आ जाना है कुछ यहाँ पे देख सकते हो तेरह सेकंड तक यहाँ से यहाँ आने के बाद सिंपली आपको कुछ आगे आ जाना है आगे आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो यहाँ पे पंद्रह सेकंड पंद्रह पॉइंट ट्वेंटी पास यहाँ पे आपको यहाँ खाली दिखेगा यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना जो अभी आप डाउनलोड किए थे यानी कि जो आप कॉपी लेयर किए थे उस लेयर को यहाँ पेस्ट पे पे कर देना है कुछ यहाँ पे देख सकते तो हो डबल लेयर है तो यहाँ पे आके प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और पेस्ट लेयर कर दीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पेस्ट हो जाएगा पेस्ट हो जाने के बाद सिंपली आपको इस लेयर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ कलर एंड फिल पर क्लिक करना स्टार के आइकन पर क्लिक करना फिर से स्टार के आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से फिर से आपने जो नाइन सिस्टम में इमेज को क्रॉक किया था उसे यहाँ से ले लेना प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर आपका जो इमेज रहेगा वहाँ यहाँ लग जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ लगने के बाद सिंपली आपको फिर से आगे आ जाना है कुछ इस तरह से यहाँ आगे आ जाना आगे आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको एक और डबल बीट मार्क दिखेगा कुछ यहाँ पे इक्कीस पॉइंट हो यहाँ ट्वेंटी पास यहाँ पे आके यहाँ पे आपको फिर एक और डबल बिट मार्क दिखेगा तो यहाँ पे भी आपको उस जो लेयर को कॉपी किए थे यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके उस लेयर को पेस्ट कर लेना पेस्ट करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ आगे जाना है नेक्स्ट बिट मार्क पे यहाँ से कुछ यहाँ पे आ जाना है यहाँ आने के बाद सिर्फ आपको इस लेयर पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ घड़ी वाला आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये वाला आइकन है जो इसे इस पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से यहाँ लग जाएगा तो यहाँ लगने के बाद सिंपली आपको फिर से इसमें तो इस लेयर में भी आपको अलग इमेज को लगा लेना जो नाइन रो सिस्टम में क्रॉक किए थे यहाँ से इस लेयर पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से इमेज को लगा लेना है तो इसीलिए यहाँ लगा लीजिएगा लगाने के बाद सिपीले आपको यहाँ आगे में यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ कुछ चौबीस पॉइंट ट्वेंटी सेवन पास यहाँ पर आ जाना है यहाँ आने के बाद सिर्फ आपको फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है पेस्ट लेयर कर देना है तो कुछ ही तरह से यहाँ लेयर को पेस्ट करने के बाद आगे तक आ जाना है इस लेयर पर क्लिक करके घड़ी वाला आइकन पर क्लिक करके पूरा यहाँ लास्ट तक लगा देना है इसको तो यहाँ कुछ लास्ट तक लग जाएगा तो इसमें भी आपको इमेज को चेंज कर लेना है तो कुछ इस तरह से इन सभी में इमेज को लगा लीजिएगा बाकी इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है बाकी जो आप अगर देखिए आपको जो फ्लावर वाला रहेगा रेड रोज वाला अगर ये आप डाउनलोड किए रहोगे तो ये या ऑटोमेटिक यानी कि इसे ओपन करने से पहले अगर डाउनलोड किए रहोगे तो स्टार्टिंग में अगर डाउनलोड किए रहोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक लग जाएगा वरना आपको लगाना पड़ेगा तो आपको पहले जो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यानी कि प्रोजेक्ट जो भी यहाँ लिंक दिया हुआ है उससे सबको डाउनलोड कर लेना है पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद फिर आपको वीडियो इसी तरह छोटा सा एकदम सिंपल में एकदम से सिंपल में आपका वीडियो कम्प्लीट बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ से शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है यहाँ से वीडियो का रेशियो या फ्रेंड अपने हिसाब से बढ़ा लेना है जैसा आपको अच्छा लगे उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट कर लीजिएगा और एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सिपले आपको यहाँ से एक सेव वाला आइकन आएगा तो सेव वो आइकन पे क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा तो हैं किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत